भाई साहब DC यूनिवर्स की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी द फ्लैश फाइनली 15 जून को रिलीज होने जा रहा है। लिटरली 2014 में अनाउंस होने वाला मूवी आज जाके 2023 में रिलीज हो रहा है। और इस वीडियो को देखने से पहले तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। एक्चुअली तुम्हें इस मूवी को देखने से पहले क्या क्या पता होना चाहिए एंड एक्चुअली इस मूवी से तुम्हारा एक्सपेक्टेशन का बार किस लेवल तक सेट रखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर पहली बार दो जनरेशन के दो बैटमैन के अपीयरेंस होने वाला है। इसी के साथ पहली बार डीसी के अंदर मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए सुपर गर्ल की एंट्री होने वाला है। सिर्फ यही नहीं, द फ्लैश मूवी 2013 से चलते आ रहा है, फुल डीसी यूनिवर्स को रिबूट करने वाला है। तो इन्हीं सभी नॉस्टैल्जिक चीजों को कैरी करते हुए द फ्लैश मूवी डीसी यूनिवर्स की एक रोलर कोस्टर राइड होने वाला है। तो चलो इस राइड को कुछ पॉइंट्स के द्वारा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। पहले तो बिना किसी स्पॉइलर के मूवी के प्लॉट के बारे में जितना समझ में आ रहा है, ये मूवी इंस्पायर्ड है 2011 में रिलीज होने वाली कॉमिक बुक द फ्लैश पॉइंट से, जहां बैरी एलन अपने फैमिली को बचाने के लिए टाइम ट्रेवल करके टाइम में पीछे जाता है, जहां उस यूनिवर्स की बैरी एलन के साथ उसका मुलाकात होता है। उसके बाद बैरी एलन क्या अपने फैमिली को बचा सकता है और मल्टीवर्स की वजह से उसे किन किन लोगों का सामना करना पड़ता है और वो किन लोगों का सहारा लेता है, ये सब जानने के लिए आपको 15 जून को टिकट बुक करके देखना होगा द फ्लैश। देखो भाई, मैंने सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए स्टोरी को सिंपल शॉर्ट तरीके से तुम्हें बताया, ये बहुत हद तक गलत भी हो सकता है, बाद में मत बताना कि मैंने स्पॉइल कर दिया। तुम्हारी तरह मुझे भी कोई इनविटेशन नहीं आया है, हम सब ने मूवी नहीं देखा है, ओके। मूवी के मेन स्टारकास्ट में आए तो दो यूनिवर्स की दो बैरी एलन के अलावा इस मूवी के अंदर सबसे ज्यादा अहम रोल निभाने वाले हैं 1989 की कौन बताओ कौन, माइकल क्रिटन के बैटमैन, जो कि अपने लाइफ के स्ट्रगल और एक्सपीरियंस बैरी एलन के साथ शेयर करने वाला है। देखो भाई, सिंपली समझ सकते हो कि 90s के फैंस को खुश करने के साथ साथ हमारे माइकल क्रिटन के बैटमैन बैरी एलन को हमेशा गाइड करता चलेगा। के बाद हमारे मेन डीसी यूनिवर्स की बेन अफ्लेक के बैटमैन का भी एक छोटा सा कैमियो होने वाला है। देखो भाई, मुझे इतना पता चला है कि उनका कैमियो बहुत ही छोटा है, बट वो धमाका बहुत बड़ा करने वाला है। उसके बाद भाई, पहली बार डीसी यूनिवर्स में सुपर गर्ल की एंट्री होने वाला है। इस मूवी में काल एल की बहन यानी क्लारा, मतलब हमारे सुपरमैन की बहन। देखो भाई, ट्रेलर देखकर जितना समझ में आ रहा है कि सुपर गर्ल की ओरिजिन उतना एक्सप्लोर नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। देखो भाई, ट्रेलर हमें बता के जा रहा है कि इस मूवी के ज्यादातर सीक्वेंस किसी और यूनिवर्स की 2013 की मैन ऑफ स्टील के इवेंट पर सेट है, जिस यूनिवर्स में सुपरमैन एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि सुपर गर्ल एग्जिस्ट करते हैं। अरे एग्जिट क्यों बोल रहा हूं, एग्जिस्ट करते हैं। और इसी के दौरान एंट्री हो जाता है हमारे क्रिप्टॉन की लसन जनरल जॉड, एक नंबर का कमीना है बंदा। बट डायरेक्टली ये बोलना भी मुश्किल है कि जनरल जॉड इस मूवी का मेन विलन है, नहीं, उनका कैरेक्टर टाइमलाइन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट विलेन कोई और होने वाला है। खैर, हमने विलेन को अभी तक उतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो डीसी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, इतना सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, बट मूवी को देखने से पहले एक्सपेक्टेशन कितना रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि जितना कैमियो और अपीयरेंस तुम्हें मिल रहा है उससे ही खुश रहो, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। और हाँ, हेनरी कैबल के बारे में तो सोचना भी मत, ओके। और एक्शन के बारे में ये मूवी तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है, फुल टू एक्शन मिलने वाला है। और हाँ, इसके ट्रेलर की क्वालिटी जिस लेवल का बार सेट कर दिया है तो भाई क्या ही कहना बॉस। देखो भाई, इस मूवी को डीसी यूनिवर्स को रीबूट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो डेफिनेटली मूवी के कैरेक्टर से ज्यादा मूवी अपने टारगेट पर फोकस करेगा। तो बैटमैन हो या दी फ्लैश, मतलब खुद फ्लैश, किसी से भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, ये मूवी डीसी को रीबूट करने का सिर्फ एक जरिया है, ओके। देखो भाई, सिंपली मूवी के हर एक ट्रेलर, जापानी ट्रेलर हो या इंडियन ट्रेलर हो या किसी और देश का ट्रेलर, हमें बताना चाहता है कि भाई इस मूवी में मल्टीवर्स के साथ फ्लैश की ये सब कांड होने वाला है, जिसमें नॉस्टैल्जिया के साथ भरपूर मजा भी आने वाला है और डीसी भी सेफ खेल के अपना काम, मतलब रिबूट का काम निपटाने वाला है। बस ज्यादा प्लॉट के बारे में डिस्कस करूंगा तो भाई मूवी अपने आप स्पॉइल हो सकता है, मूवी देखने का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है, मैं तो भाई बचकर चलने की कोशिश कर रहा हूं। और हाँ, टीवी स्पॉट से भाई सैकड़ों करोड़ों मीटर दूर रहो, ओके। खैर, तुम बताओ ओल्ड डीसी के इस अंतिम यात्रा को तुम किस नजर से देख रहे हो। और हाँ, मूवी देखने से पहले अपना एक्साइटमेंट जरूर शेयर करना, लाइक करना है तो भाई कर दो, सब्सक्राइब तुम्हारे ऊपर, बट इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, ओके। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, क्योंकि वहां पे बहुत ही अच्छे खासे रील्स के साथ तुम्हारा हमारा कनेक्शन बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।